दुख भंजन। हेलो दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, सुख दुख का रहस्य। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से दुखी है आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे सुख ही देते हैं और उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव में डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम चूल्हे की व्यवस्था करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंटें लेने गई। गांव में कुछ जब मकान थे जो जर्जर हो चुके थे, उनसे वह ईंटें लाकर चूल्हा तैयार करने लगी। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने पूछा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती आप तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंटों को कहाँ से लेकर आई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। तब भगवान ने कहा, जो घर पहले से ख़राब थे तुमने उन्हें और ख़राब कर दिया, तुम ईंटें उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी। माता बोली, प्रभु उन घरों में रहने वाले लोगों ने उसका रखरखाव किया है, बहुत सही तरीके से वह उसकी देखभाल करते हैं और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं, ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का सही तरह से रखरखाव किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बनाया है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो भी दुखी है वह भी अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी न निकाल पाए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन को सही और अच्छे कर्मों से सुंदर बनाना चाहिए, ताकि हमें आगे चलकर कोई भी कष्टों का सामना ना करना पड़े, कोई भी दुख ना भोगना पड़े। इसलिए सभी व्यक्तियों से सही व्यवहार करें और पाप कर्मों से दूर जाकर अच्छे कर्मों का रास्ता अपनाएं, तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। तो हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। जय माता दी।